गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं लोनावला के लिए और हम लोग जा रहे हैं आई एकवीरा देवी मंदिर। माता का बुलावा आ चुका है तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जोर से बोलो जय माता दी। सो गाइस हम लोग अभी कुछ उतर रहे हैं, देखते हैं कुछ माउथ फ्रेशनर वगैरह लेने के लिए क्योंकि अभी गाड़ी रोकी है यहाँ पे। और मैं क्या बोलते हैं, उधर जाते तो क्या आई मी आलो। हाँ, वहाँ जाने के बाद ऐसे हम जाते हैं ना घर में तो मम्मी को हम बोलते हैं कि मम्मी मैं आ गया, ऐसे बोलते ना, तो वहाँ जाके रहता है दिल का मानना कि आई मी आलो। गाइस मैं आपको एक प्यारा सा सीन दिखा दूँ। अरे इधर नीचे बोलते तो गाइस ये जो पीछे जो मंदिर था वो मंदिर की मानता क्या है और वो मंदिर की स्टोरी क्या है वो आपको दीदी बताती है। उन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरे इस जगह को नाम दे दो, तो उन्होंने उसको उधर ही मार दिया। अंग्रेज लोग ने? हाँ, अंग्रेजों ने मार दिया उनको। अरे अरे फिर जो सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार में, सो लेट्स गो। निकलते हैं, मेरे को 10 बजे पहुंचना है वहाँ पे, फिर 10 बजे हम लोग निकलेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको वहाँ पे चल के बताता हूँ। सो लेट्स गो, अभी निकलते हैं। पहले जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उन लोग को अभी 15-20 मिनट और लगेगा, कार का चौकस वगैरह चेंज करना है, तो इसके लिए मैंने अभी एक बड़ा पाव खाया और अभी चाय पी रहा हूँ। इसके बाद मैं निकलूँगा, मेरे को भी जाने में 15-20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, तो जब तक वो लोग काम भी हो जाएगा और मैं वहाँ पे पहुँच भी जाऊँगा। सो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं लोनावला के लिए और हम लोग जा रहे हैं आई एकवीरा देवी मंदिर। फाइनली बहुत टाइम से मेरा मन था जाने का क्योंकि मेरे इधर से बहुत लोग मेरे जाते रहते हैं, सबके मैं स्टोरीज देखता ही रहता हूँ इंस्टा स्टोरीज की, जाके वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाऊँगा। तो मैंने आज हमारे साथ, वैसे मैं आपको देखा था कि मैं किन के साथ जा रहा हूँ, सिमरन दीदी और अमन जीजू के साथ जा रहा हूँ मैं। सो इन लोग का भी प्लान था जाने का एक्चुअली, जब मैं पिछले फ्राइडे को उनके पास गया था तो तभी हमारा प्लान बना था कि हम लोग को जाना है। और मैंने उन लोग को बोला कि वो मंदिर है ना मुंबरा में, मेरे को जाना है। फिर मेरे बोलते कि कौन सा, मैंने बोला आई एकवीरा देवी, बोलते मुंबरा में नहीं है वो लोनावला में। मैंने बोला अच्छा लोनावला में, बोलते हाँ तेरे को हम लेके चलते हैं, चिंता मत कर। तो दीदी देखो आज कितनी मस्त लग रही है। थैंक यू। हाय गाइस, हम लोग बहुत टाइम से जाने का प्लान कर रहे थे तो फिर हो ही नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स ही आ रहे थे। तो फिर उस दिन गुरजीत आ गए गैरेज पे, तो हम लोग बातों में उनको बताया चलो हम लोग भी जाते हैं फिर गुरजीत के साथ में, बहुत मजा आने वाला है। और हमारी मन्नत थी, वैसे तो मन्नत के लिए हम लोग जाने वाले थे तो हो ही नहीं पा रहा था, तो अभी गुरजीत भी बोल दिए, गुरजीत को भी देखना है और हमारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। वाह, देखो गाइस मन्नत भी पूरी हो रही है और हम लोग जाएंगे भी, और वहाँ पे आपको ट्राई करेंगे कि हिस्ट्री बताने की आई एकवीरा देवी मतलब माता की मंदिर की क्या है। 4 लोगों की मन्नत पूरी हो रही है। चार कौन सी? ये हमारी कार भी है हमारे साथ, ये भी फर्स्ट टाइम जा रही है हमारे साथ। ये कार का नामकरण भी करने वाले गाइस हम लोग आज। सही बोल रहे हो। आज कार का नामकरण भी करेंगे ये लोग और चलते हैं, देखते कोई अच्छा नाम सोचते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे ये व्लॉग में। और आई एकवीरा देवी माता के मंदिर भी जाएंगे जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मन था जाने का, तो माता का बुलावा आ चुका है तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जोर से बोलो जय माता दी। तो अभी हम लोग पी रहे चाय और दीदी खा रही है पकौड़ा और जीजू और भी नाश्ता ले रहे हैं, तो मैं सुबह वड़ा पाव खा के आया था तो अभी मैं सिर्फ चाय पी रहा हूँ, फिर आके देखते हैं। आहा, गर्मी गर्मी कुछ भी रहे हमको चाय तो चाहिए ही चाहिए। चाय लवर्स। मैं भी अभी लूंगी थोड़ी देर में। गाइस हम लोग अभी कुछ उतर रहे हैं, देखते हैं कुछ माउथ फ्रेशनर वगैरह लेने के लिए क्योंकि अभी गाड़ी रोकी है यहाँ पे, लेते हैं माउथ फ्रेशनर लेने के लिए। क्या दीदी? नहीं 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 नहीं। पास पास लो। हाँ पास पास लो, कुछ लो। हाँ पास पास लेने। कुछ सोडा फ्रेश वगैरह है तो वो भी ले लो। चुंगिया में कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह है क्या? अरे कोल्ड ड्रिंक पान वाला कोल्ड ड्रिंक अभी गाइस लिए दो पास पास और एक लिया कोल्ड ड्रिंक। बहुत धूप है पर जाना है तो आगे जाके बहुत मजा आने वाला है। बोलते ना
सबर का फल मीठा होता है, ये चीज हम करते जा रहे हैं यहाँ। और कार में क्या बोलते हैं उधर जाते तो क्या, आई मी आलो। हाँ, वहाँ जाने के बाद ऐसे हम जाते ना घर में, तो मम्मी को हम बोलते कि मम्मी मैं आ गया, ऐसे बोलते ना, तो वहाँ जाके रहता है दिल का मानना कि आई मी आलो, ऐसे करके बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हद से ऐसा लगता है माँ को बुला रहे हैं हम। बुला रहे हो कि जा रहे हो? मतलब हम अच्छा, जाके बुला रहे हो, जाके हम उनके मंदिर में कदम रखते हैं, हम ऐसे बोलेंगे आई मी आलो। ये खोल मतलब... के बात मत करो, मच्छर घुस जाएगा, पी लो बंद कर ना। चलो हमारी गाड़ी चालू हो गई है, हमको निकलना, चलो बहुत इंजॉय करेंगे और रास्ते में भी हम आपको बताएंगे क्या क्या है। अरे खोल के नहीं, मेरा भी लॉक कर दिया। सो अभी गाना चलाते हैं और आगे मिलते हैं आपको। बारिश के टाइम पे ये जो रोड है, ये जो ग्रीनरी है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, जब बारिश होती है ना तब इतना मस्त लगता है गाड़ी चलाने में भी। और आप लोग ऐसे है ना गाड़ी रुखा रुखा के आप एंजॉय करोगे अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी होगी तो। ये देखो बहुत मजा आता है इस चीज में, पूरे ना वाटरफॉल्स वगैरह आपको आराम से देखेंगे, आप खड़े रहिए हाथ तक धो सकते हो, इतना मजा आता है। यहाँ पे पलसदारी भी है गाइस, मैं एक बार आया था पलसदारी, बहुत मजा आया था, मैं अपनी सिमरन पे आया था, बहुत मजे करके आए थे हम लोग दोस्त लोग। मैंने नई नहीं ली थी तभी के टाइम पे, मेरे को आना जाना मतलब 100 किलोमीटर हो गया था, फोन आ रहा है कंपनी, बहुत मजा आया था। अभी बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो अपना मानसून सीजन भी स्टार्ट होगा, हर जगह पे हम लोग स्टार्ट करेंगे घूमना फिरना। अभी ये भी डेवलप हो रही है एरियाज, ये देखो यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह। पहला ये रोड ऐसा नहीं था, कच्चा रोड था पूरा, अभी न्यू देखने वाला, मैं भी आ रहा हूँ करीबन 4-5 साल के बाद आ रहा हूँ ना, तो ये सब रोड दिख रहा है सब। पर गाइस अभी धीरे 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 डेवलप हो रही है, ये सब दिख रहेगा सब ये सब भी बड़ा 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 बन जाएगा ना कहीं ना कहीं, मतलब चलो डेवलपमेंट भी अच्छा है पर कहीं ना कहीं अपना नेचर खत्म होता जा रहा है। हाँ, वो चीज़ पेड़ वेड़ काट के बनाते हैं ना, ये सब जो छोटे छोटे वो थे पहाड़ थे वो क्या काट के लेवल काट काट के लेवल करते हैं, फिर बीच में रास्ता बनाते हैं। जो लोग है ना उन लोग अपना कल्चर, ये जो हरे भरे जो भी झाड़ वगैरह ना उन्हें ज्यादा नहीं काटने देंगे, इन लोग एक लिमिट तक ही काटेंगे क्योंकि इनका मानना ऐसा ये है। चीजें मैंने दीदी ये चीजों में मतलब केरला वाले और ये तमिलनाडु वाले बहुत आगे, हाँ। उनके मतलब जो देव रहते ना आज भी मतलब ऐसे है ना, जैसे अभी अपने ये देखी रहेगी क्या बोलते मूवी जो आई थी अभी कांतारा, कितना अपने मतलब लेके उन लोग को उनका जो देव है, हाँ। तो कितना वो अपना फार्म्स का ख्याल रखते हैं उन लोग, इधर नहीं है, इधर इतना नहीं है, इधर अपन अगर आपने एलिगेशन उठाया ना अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने सरकार ही पूरा पैसे खाओ है, हाँ। यही बात, कुछ नहीं कर सकते, वैसे हम बोल भी नहीं सकते, कुछ लोग बोलेंगे तो यहाँ मर्डर वगैरह होना चालू हो जाता है, ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकते, नेचर होता है, पर नेचर से प्यार करना चाहिए हमें। हमारे अभी एक तो पहाड़ भी कम है, समुद्र ज्यादा है। अरे अभी तो कुछ नहीं है, जिस हिसाब से अभी कट रहे हैं ना कुछ सालों बाद लोग बारिश के लिए तरसेंगे। सही बात, जैसे अपना सऊदी में आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं ना, वैसे इंडिया में उधर पानी कितना महंगा मिलता है पीने के लिए, पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 पे आ गया अभी, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। सही बात, बात सही बोला। हाय लेडी मंकी मम्मी, हाय। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं वहां पे मंदिर में, वो वाले मंदिर में यार, सिम तुम को देखो बुला बुला बुला, ओए कहां जा रही है तू, ओए जा रही है, ओए हम लोग बाहर निकले, ये देखो प्यारे से माँ बेटे मारते है क्या मारते, लग ये भी लेडी है, क्या जंप मारा है एक नंबर, बहुत मस्त जंप मारा। कुछ खाने को नहीं है ना अपने पास, पास पास खाओगे पास पास, चलो नहीं खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे एक मंदिर है शिंग ग्रोबा मंदिर, सो वहाँ पे जाते हैं हम लोग, दीदी ने रुका है गाड़ी, देखते हैं क्या है।
मंदिर के अंदर। शिन ग्रोबा मंदिर बहुत ही अच्छा एडवेंचरस ब्लॉग बन रहा है आज हमारा। मैं आपको भी एक प्यारा सा सीन दिखा दूं। अरे इधर भी है, ये वो नीचे बहुत है। एक मिनट मामा, देखो पिल्लू सा इधर चिपका है। मला मंदिर बद्दल सांगू शकता का तुम्ही? हां मंदिर है। तो गाइस ये जो पीछे जो मंदिर था, वो मंदिर की मानता क्या है और वो मंदिर की स्टोरी हिस्ट्री क्या है वो आपको दीदी बताती है, फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर की स्टोरी ये है कि ये ना ये भगवान का मंदिर नहीं है, एक श्रद्धा से जो इंसान को उसका हक चाहिए वो हक नहीं मिला तो उस वजह से वो मंदिर बनाया है। पहले जो अंग्रेज थे वो यहाँ पे आते जाते थे कि हमको रास्ता बनाना है, हमको रास्ता बनाना है आने जाने के लिए, उनको राज करना था अपने ऊपर, तो उनको राज करना था तो उनको रास्ता नहीं मालूम, तो अभी यहाँ पे बकरी चराने वाला रोज आने जाना बकरी जो चराते थे ना उसके लिए रास्ता कॉमन था, तो वो है ना यहाँ से आ रहा था ऊपर, ऐसे पहाड़ी से ऊपर आ रहा था बकरियों को लेके, तो उन्होंने देख लिया अंग्रेजों ने कि ये कैसा आ रहा है करके, मतलब उसको रास्ता नहीं, अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रास्ता आना जाना कैसे। हाँ। ये मुंबई पुणे का रास्ता है, मुंबई पुणे हाईवे का रास्ता, और वहाँ पे वो भी है क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ना पूरा पहाड़ था ना, पूरा पहाड़ था, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था ये कैसा हम करे, इसको रास्ता कैसे बनाए। तो वो बकरी चराने वाले ने उसको बताया, उनको बोला, उन्होंने उससे पूछा कि रास्ते के बारे में हमको बता सकते हो क्या, रास्ता कैसे बनाए, तो फिर वो बोला ठीक है मैं अपनी बकरी ऊपर छोड़ के आता हूँ चरने को फिर आके आपको बताता हूँ कि कैसे रास्ता बनाने का। तो उसने उनको बताया कि ऐसे ऐसे रास्ता बनाओ, तो अंग्रेजों ने आधा पहाड़ भीड़ ये करके काट के रास्ता बनाया। तो फिर अंग्रेजों ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए इसके बदले, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जगह को मेरा नाम दे दो और हमारा भारत स्वतंत्र कर दो। तो वो बोलने लगे ऐसे कैसे, हम इसके बदले आपको पैसे वगैरह दे देंगे। वाओ गाइस सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, बट ये देखो ये घाट देखो कितना खतरनाक है, देखो यहाँ से क्या दिखे? देखो आगे दिखाता हूँ, पूरा खतरनाक खंडाला बोलते हैं ना, खंडाला पूरा पानी बहता है घाट में से। फिर आपका स्टोरी बताओ आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद में ना उन्होंने ना उसको मार दिया, उन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं लूंगा, मेरे इस जगह को नाम दे दो, तो उन्होंने उसको उधर ही मार दिया। अंग्रेज लोग ने? हाँ अंग्रेजों ने मार दिया उनको। अरे अरे फिर जो मंदिर बना है ना उसी जगह पे उनको मार दिया, तो है ना उनको ऐसे तड़प होने लगी, तो तड़पने लगे, उनका खून वीन देख के लोगों ने आए, तो उन लोगों ने बोला कि इनको तो यहाँ मार के फेंक दिया है करके भेड़िया चराने वाले को। तो जब मार के फेंका फिर उसके बाद में उन लोगों ने ईट वीट लगा के ऐसे बना दिया, तो फिर उसके बाद में जो आने जाने वाले लोग थे ना, तो उनके एक के सपने में आया कि ये जो है ना तुम मुझे एक दिया नहीं लगा सकते क्या, तो उन्होंने दिया लगाया, तो दिया तो कभी ना कभी बुझना ही है, तो फिर बुझ गया दिया। तो फिर अभी आने जाने वाले लोगों से वो यही बोलते हैं कि हमको बस मेरे को हाथ जोड़ के ऐसे सर झुका के मेरे से आशीर्वाद लेके जाओ कि तुम्हारी गाड़ी आगे तक जाए, मतलब मेरा मतलब मैं आपको इन द शॉर्ट बताता हूँ कि मतलब उनका ये कहना था कि रास्ता मैंने बताया है तो मेरा हक ये, मतलब मेरा इतना सा हक है कि मेरा ना मतलब नाम हो कि ये चीज में कि मैंने रास्ता बताया है लोगों को, छोटा सा मतलब मान दो मेरे को, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। और लोग मतलब क्या कर रहे हैं, आते जाते ना सिक्का फेंकते जा रहे हैं न्यू जनरेशन वाले, जैसे कि दीदी यहाँ पे रुक के आके मत्था टेका, तो वहाँ पे जो मंदिर के रखवाले मतलब बाजू में थे जो, तो उन्होंने बहुत दीदी का रिस्पेक्ट किया, बोला कि ऐसा ही करना चाहिए, यहाँ से रिस्पेक्ट दे के यहाँ पे हाथ जोड़ के फिर आगे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की गाड़ी जाके आगे रुक जाती है अगर ऐसे रिस्पेक्ट दे के नहीं जाते हैं तो ऐसे अंकल मानना है। और बहुत लोग अंकल बता रहे थे कि बहुत लोग सिक्का फेंक के चले जाते हैं पर ऐसे रुक के प्रणाम करके जाना चाहिए तो सफल। गणपति बप्पा का है क्योंकि उनका जो शेप है वो गणपति बप्पा जैसा है, बल्कि वो गणपति बप्पा का मंदिर नहीं है, वो एक इंसान का ही है। हाँ। वो श्रद्धा है,
तो कहीं आप कभी कभी भी मतलब किधर किधर भी जाओ, शिरडी पंढरपुर जिधर भी, यहाँ से जो भी रास्ता निकलता है, अब जैसे हम लोग आई है कि वीरा देवी माता के मंदिर में जा रहे हैं, तो यहाँ से मतलब आशीर्वाद लेके उनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़ोगे, जो आपका पालकी वगैरह जो जाती है ना चल के, शिरडी की पालकी होती है, पंढरपुर की पालकी होती है, जो भी पालकी यहाँ से जाती है ना, वो इनको रुकते हैं, पहले इनको इज्जत देते हैं, यहाँ उनका नमन करते हैं, फिर उसके बाद उनकी पालकी आगे जाती है, मतलब उनको एक इज्जत दिया है, ऐसा है इधर समझे। अगली बार जब भी जाओ आए कि वीरा देवी मंदिर कहाँ पे भी जाओ तो रुक के प्रणाम करो, जैसे सिक्का मत फेंको। हमारा मजा ये था है फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार में, सो लेट्स गो। ये हमारी एंट्री हो रही है गाइस, हमारी एंट्री हो चुकी है और यहां से शुरू होता है हमारा आई एकवीरा देवी माता का रास्ता स्टार्ट।